दोस्तों ये देखिए, इस टाइम तो पानी सही आ रहा था, ये पानी लगभग 10 बजे बंद हो जाएगा, लगभग अभी 2 घंटे बाकी हैं। हेलो दोस्तों, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और इस वीडियो की शुरुआत कर रहा मैं सुबह के लगभग 8 बजे से। तो एक प्यारी सी धूप चमक चुकी है, लग चुकी है और अभी मैं पानी के लिए आया हूँ। तो पानी की बहुत ही दिक्कत है यहाँ, पानी मतलब सुबह को लगभग 10 बजे तक आ रहा, उसके बाद पूरे दिन भर ऑफ रह रहा है पानी। तो आजकल बहुत दिक्कत है, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पानी की। तो यार आज संडे भी है तो आज ये घर के काम करने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपका भाई गौरव। मेरे गाँव का नाम है भौंसा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा गाँव है। तो चलिए अभी पानी भरते हैं, उसके बाद मेरे को घर के और भी काम करने हैं। यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे पानी भरने के लिए। मेरा एक ये काला ड्रम है और ये एक ये जो लगा है ये है, तो इसको ले जाना है अभी मैंने घर। दोस्तों ये देखिए, इस टाइम तो पानी सही आ रहा था, ये पानी लगभग 10 बजे बंद हो जाएगा, लगभग अभी 2 घंटे बाकी हैं। तो 2 घंटे बाद ये पानी बंद हो जाएगा और उसके बाद सीधे कल सुबह को आएगा, शाम को नहीं आता ना, सीधे ये पानी कल सुबह को देखेगा, अब सीधे सुबह 6 बजे से और फिर से 10 बजे तक। तो दोस्तों यार अभी मैं दोनों ड्रम ला चुका हूँ और पसीना देख सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे है पानी का नल, तो थकान काफ़ी लगी है क्योंकि मैं दोनों ड्रम लगभग एक साथ लाया आधे रास्ते से, दोनों एक हाथ से एक दूसरे हाथ से, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मेरे को बहुत से काम है, मतलब अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया और उसके बाद नहाना भी है, कपड़े भी धोने हैं। तो चलिए पहले खाना खा लेता हूँ। तो यार दोस्तों अभी मैं किचन में आ गया हूँ, तो चलिए पहले खाना खाते हैं। और खाने में है आज आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी चाय। तो चलिए यार पहले एक बार खाना खा लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो यार दोस्तों मैंने खाना खा लिया है, तो पहले इन बर्तनों को धोऊँगा और उसके बाद नहाऊँगा, उसके बाद कपड़े धोऊँगा। तो चलिए पहले इन बर्तनों को धो लेता हूँ। तो अभी मैंने बर्तन धो लिए, तो 2-3 ही बर्तन थे जिस पे मैंने खाना खाया था। तो यार दोस्तों अभी है टाइम दिन के 10, तो अभी मैं दूसरे चौक में जा रहा हूँ ऐसे ही घूमने। यहाँ का माहौल भी देख सकती है, धूप कितनी अधिक मात्रा में लग चुकी है, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब बता नहीं सकते यार। ये है डॉगी चिंटू। चिंटू पिंटू इतना खुश हो रहा है कि इतनी खुशी इसका खाना नहीं पच रहा है, इसे मुक्ति चाहिए। तो दोस्तों यार अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूँ, तो मेरे को खाने में बनाने हैं थिचौड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ कि थिचौड़ी किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये है घर के आलू, सबसे पहले इनमें से हम 2 आदमी हैं, तो कम से कम 4 या 5 आलू निकालेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे। तो ये मैंने आलू निकाल दिए हैं, सबसे पहले इनको धो लेता हूँ। इनको बाहर पे धोता हूँ। तो आलू मैंने धो लिए हैं, अब इनको सिलबट्टे में बारीक बारीक करेंगे। तो ये है हमारा सिलबट्टा, तो चलिए इनको बारीक करते हैं। तो यार दोस्तों पहले दाल बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार चावल रख लें, फिर दाल बनाते बनाते ये चावल भी पक जाएंगे। तो चलिए पहले चावल रखता हूँ। बंद कर दो।
तो यार दोस्तों अभी मैंने चावल रख दिए हैं और अब मैं बनाऊंगा जो थिचवाणी कहा था मैंने, आलू का साग। तो अब इसको बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेनी है एक कढ़ाई। तो पहले कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे, गैस तो जलाए नहीं। गैस चल नहीं रहा, गैस चल नहीं रहा है। तो अभी तेल गरम हो चुका है तो इसमें पहले प्याज डालते हैं। तो प्याज को पहले अच्छे से पकने देंगे। तो मसाले भी डाल दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी भी डाल देते हैं। तो हल्का सा नमक भी डालेंगे। तो यार दोस्तों अभी खाना तो बन ही रहा है, तो तब तक मैं अपने कपड़े धो लेता हूँ। कपड़े धोने हैं मेरे को। दोस्तों यार अभी शाम का टाइम हो चुका है, अभी हम जा रहे खोलिया क्रिकेट मैदान में, जो मैंने परसों बताया था आपको। तो चलिए चलते हैं यार। अभी मेरे साथ यहाँ पे है सूरज और अजय भी आ रहा है पीछे पीछे से। तो चलिए चलते हैं अभी, अब आपको मिलते हैं सीधे मैदान में। दोस्तों बॉल खो चुकी है। ओ मासी बैठ के मत जाओ बैठो। तो दोस्तों बॉल यहाँ नीचे गिर गई है। यार दोस्तों अभी जो मैच है वो समाप्त हो चुका है, तो अब जाएंगे हम सीधे रनिंग करने। और मेरे साथ यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो चलिए यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग, एक शानदार ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।